यूरिन करते समय दर्द, जलन या कोई दूसरी समस्या महसूस होना आम बात है, लेकिन अक्सर हम ऐसी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाने में आनाकानी करते हैं। हम तब तक इस तरह की दिक्कत को अनदेखा करते हैं जब तक कि यह असहनीय यानी कि बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए। ऐसा करके हम अपनी ही स्थिति को और अधिक खराब कर लेते हैं। क्यों होती है यह दिक्कत? यूरिन से जुड़ी यह समस्या आमतौर पर महिलाओं में होती है। मेडिकल भाषा में इस तरह की बीमारी को डिसयूरिया नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो योनि में किसी अनचाहे बैक्टीरिया के पनप जाने पर होता है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर इस तरह की दिक्कत महिलाओं को 20 से 50 वर्ष की आयु के दौरान होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन किन वजह से यह इन्फेक्शन होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ महिलाओं के साथ ही होती है, पुरुष भी इस तरह की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा मूत्र मार्ग के जरिए किसी बैक्टीरिया या यूरिनरी सिस्टम और ब्लेडर तक फैलने पर होता है। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति को यूरिन में बहुत स्मेल आना, बार बार यूरिन पास होना, यूरिन के साथ ब्लड आना, चेस्ट और बैक में दर्द होना या जल्दी जल्दी बुखार के रूप में भी सामने आ सकते हैं। ये सारे लक्षण इसके होते हैं। पुरुषों में होते हैं इस तरह के लक्षण। तो पुरुषों में इसके किस तरह के लक्षण होते हैं वो अब हम आपको बताते हैं। अगर डिसूरिया की समस्या यानी कि यूरिन इन्फेक्शन की समस्या पुरुषों में होती है तो उन्हें प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। इसमें स्वेलिंग हो सकती है, इजेकुलेशन के वक्त दर्द हो सकता है, यूरिन पास करते समय दर्द हो सकता है और बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। इसका एक ये भी कारण होता है, यूरिन से जुड़ी समस्या होने पर न केवल संक्रमण बल्कि स्टोन या पथरी होने का भी संदेह रहता है। यानी अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो उसका ये कारण भी हो सकता है कि हो सकता है आपके शरीर में स्टोन हो यानी कि पथरी हो। यूरिनरी सिस्टम स्टोन हो जाने पर भी बार बार यूरिन आना, यूरिन का कलर धुंधला पिंक या सोइल जैसा दिखना, मन खराब रहना, वोमिटिंग होना, शोल्डर और बैक में दर्द रहना और बुखार होने जैसी दिक्कतें रह सकती हैं। तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं आपको यूरिन इन्फेक्शन के। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करना। अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको 24 घंटे में उसका रिप्लाई दे देंगे। आपको हेल्थ से जुड़ी, फूड से जुड़ी और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।